हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं डॉक्टर अंजस फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करना चाह रहा हूं। और फिर से आशा करता हूं कि सभी ठीक है, मस्त हैं, एंजॉय कर रहे हैं और बिजनेस एनवायरनमेंट एंड लीगल एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस में अंतिम प्रहार की अंतिम कड़ियों में मेरे साथ जुड़े हुए हैं। 13 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहा है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये सीरीज रही। बहुत सारे टॉपिक्स अपन ने, बहुत इंटरेस्टिंग लॉस के टॉपिक्स भी देखे, आईटी एक्ट भी देखा, ऑफेंस एंड पेनल्टीज भी देखी अपन ने, बहुत सारे पॉइंट्स इसमें, टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन भी देखे, बिजनेस एनवायरनमेंट भी देखे, कुछ टॉपिक उसमें मैक्रो एंड माइक्रो एनवायरनमेंट के भी टॉपिक देखे। देख लेते हैं 13 क्वेश्चन कौन सा है। 13 क्वेश्चन कह रहा है मीटिंग्स और रिजोल्यूशन के टाइप्स। तो मीटिंग क्या होती है? मीटिंग जैसे कि अपन मिलने गए, मीटिंग हो गई, नहीं। यहाँ पर मीटिंग का संबंध आपके शेयर होल्डर, यहाँ पर कंपनी मीटिंग से है। पहले तो यहाँ पर मीटिंग का मतलब क्या है, एक कंपनी मीटिंग से है। ये कंपनी मीटिंग लॉफुल होती है। मींस लॉफुल का मतलब किसी बिजनेस ट्रांजैक्शन को लेके या बिजनेस की टर्म को लेके मीटिंग होगी, ठीक है। तो मीटिंग का मतलब दो या दो से ज़्यादा, अकेला व्यक्ति मीटिंग नहीं कर सकता, ठीक है। दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति किसी बिजनेस के मुद्दे पर चर्चा के लिए, किसी बिजनेस ट्रांजैक्ट के चर्चा के लिए या डिस्कशन के लिए या कोई एक्शन लेने के लिए अगर गैदर होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? बिजनेस। पर्सन कितने? टू और मोर, ठीक है, इकट्ठे होते हैं तो उसको मीटिंग का नाम दिया जाता है, ठीक है। अ मीटिंग देयरफॉर कैन बी डिफाइंड एज अ लॉफुल एसोसिएशन। लॉफुल एसोसिएशन है। लॉफुल कब होगा? कुछ इंग्रेडिएंट मिलेंगे तो लॉफुल होगा, वरना लॉफुल नहीं होगा। टू और मोर पर्सन प्रीवियस नोटिस फॉर ट्रांजैक्टिंग सम बिजनेस। कुछ बिजनेस के लिए मिल रहे हैं, है ना। एसेंशियल क्या है बिजनेस मीटिंग के लिए? प्रायर नोटिस दिया जाए, दो या दो से ज़्यादा व्यक्ति हों, ठीक है। और लॉफुल असेंबली। लॉफुल असेंबली का मतलब कि क्या कह सकते हो कि जो फॉर्मेट के अंदर मीटिंग का नोट जाना चाहिए, इन्फॉर्मेशन जाना चाहिए, उसी अकॉर्डिंग वो गया हुआ हो, जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है। ऐसा नहीं है कि रास्ते में चला एक ऑटो घुमा दिया और कह दिया कल मीटिंग है, कल मीटिंग है, कल मीटिंग है, ऐसा नहीं है। जो लॉ में दे रखा है कि अगर आपको अखबार में देना होगा तो आपको न्यूज़पेपर में देना होगा, आपको अगर मेल करना होगा तो मेल करना होगा। आजकल तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग काफ़ी चलती है तो ई मीटिंग काफ़ी होती है। तो प्रीवियस नोटिस होता है। टू ट्रांजैक्ट ऑफ बिजनेस, द पर्पस ऑफ द मीटिंग ऑफ ट्रांजैक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी बिजनेस से रिलेटेड आपको मीटिंग करनी है। यदि आप जनरल सोशल मीटिंग कर रहे हो, लाइक दिवाली खाना, होली खाना, ईद पे अपन खाना करवा रहे हैं, तो वो वाली मीटिंग इस मीटिंग के अंदर नहीं आएगी, ठीक है। तो लॉफुल होना चाहिए और बिजनेस का मोटिव होना चाहिए, ठीक है। फूड का बिजनेस नहीं है। तो मीटिंग के कुछ टाइप्स होते हैं। अब ये मीटिंग के टाइप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, देख लेते हैं पहले एक बार। सबसे पहला बोर्ड मीटिंग, ठीक है, यानी बोर्ड के जो मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, अगर वो मिलके कुछ मीटिंग करते हैं तो बोर्ड मीटिंग कहलाती है। ये उनके मींस के किस ऑडियंस के अकॉर्डिंग हो रही है, मींस जो मेंबर्स हैं उनके अकॉर्डिंग मीटिंग्स के टाइप्स फिक्स्ड होते हैं। शेयर होल्डर की मीटिंग, बोर्ड की मीटिंग हो गई, शेयर होल्डर की मीटिंग हो गई, डिबेंचर होल्डर की मीटिंग हो गई और क्रेडिटर्स की मीटिंग। यानी कि कंपनी से एसोसिएट कौन कौन है? कंपनी से एसोसिएट, देखिएगा, कंपनी से एसोसिएट है भैया हमारे शेयर होल्डर एसोसिएट हैं, ठीक है, डिबेंचर होल्डर एसोसिएट हैं, क्रेडिटर एसोसिएट हैं और कंपनी के ओनर्स की तरह है डायरेक्टर्स एसोसिएट है। तो ये तो चार टाइप्स हो गए आपके, है ना। लेकिन जब शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है तो शेयर होल्डर्स की कुछ वैधानिक मीटिंग भी होती है, मतलब शेयर होल्डर्स की बेसिकली मीटिंग मानी जाती है। बाकी तो डायरेक्टर्स वगैरह तो रोज ही मिल लेते हैं, इनका काम क्या है, शाम को 5 बजे बाद, हाँ भैया ये रिपोर्ट लाओ, वो रिपोर्ट लाओ, ये रिपोर्ट लाओ, वो रिपोर्ट लाओ। जब आप MBA प्रैक्टिकल में जाओगे तब आपको पता चलेगा कि मीटिंग तो बहुत होती है, काम कम होता है, है ना। मीटिंग ज़्यादा होती है ऑफिस वर्क में, और जो मेरे साथ, मतलब जो अभी जॉब पे हैं, वो इस बात से भी एग्री होंगे। तो काम का समय कम होता है, मतलब कि आप ये मान लीजिए 6 घंटे से 7 घंटे आपका काम का समय, तो 3-4 घंटे रिपोर्टिंग का टाइम है। इवन आज मेरे कुछ स्टूडेंट्स हैं, वो इनसाइट जब मेरे को रियल ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं तो उसके अंदर पता हमको ये चलता है कि सुबह मॉर्निंग में मीटिंग होती है टारगेट के लिए, है ना। जो बैंक में काम कर रहे हैं वो मेरी इस बात से एग्री होंगे, मॉर्निंग बैंकिंग और इंश्योरेंस है, सुबह मॉर्निंग में मीटिंग होती है किसके लिए? टारगेट के लिए, कि भाई कितना टारगेट हमें अचीव करना है। शाम को मीटिंग होती है, शाम को किस लिए मीटिंग होती है? कि दोपहर में ही, मॉर्निंग में तो हुई कि कितना टारगेट अचीव करना है, आज क्या क्या करोगे, कहाँ कहाँ जाओगे, दोपहर में होती है मीटिंग कि भाई कितना काम हुआ है, और शाम को मीटिंग होगी कि भाई कितना काम
हो गया था, तुमने सुबह कमिटमेंट करा था और शाम को क्या स्टेटस रिपोर्ट, सुबह कमिटमेंट रिपोर्ट, शाम को स्टेटस रिपोर्ट, ऑनगोइंग रिपोर्ट, ये रिपोर्ट वो रिपोर्ट, यही पूरा का पूरा प्रोसीजर आजकल चलता है। गलत तो नहीं बोल रहा हूँ, देखना जो भी बैंकिंग सेक्टर में है, जो ऐसे सेक्टर में जहाँ पर टारगेट जॉब रहती है उनके अंदर ये मीटिंग काफ़ी प्रोविज़न में बढ़ गई है। अभी एक मीटिंग में इनमें टाइप बाकी हैं, चारों समझ में आ गए। डिबेंचर्स की अगर मीटिंग हो गई, डायरेक्टर्स की मीटिंग हो गई, क्रेडिटर्स की मीटिंग हो गई और शेयर होल्डर्स की मीटिंग हो गई। अब ये जो शेयर होल्डर्स की मीटिंग होती है, या तो ये गवर्नमेंट के थ्रू होती है, मीन्स के एक वैधानिक हो गई कॉन्स्टिट्यूशनल के थ्रू, तो वो एक अलग मीटिंग हो गई। एक एनुअल जनरल मीटिंग इनकी करानी होती है, और एनुअल जनरल मीटिंग यानी कि 15 महीने में एक बार करनी होती है। बिजनेस लॉ में हम ये टॉपिक काफ़ी डिटेल में पढ़ते हैं, अभी आपको केवल इसके पॉइंट याद रखने। यानी कि एक AGM होती है एनुअल जनरल मीटिंग, एक GM होती है जनरल मीटिंग, है ना, ये इसके टाइप दे रखे। एक स्टेटरी मीटिंग हो गई जो वैधानिक द्वारा गवर्नमेंट ने कहा कि आप एक मीटिंग कर लो और प्राप्त कर लो, ठीक है। एक एनुअल जनरल मीटिंग हो गई, AGM हो गई। AGM में उन्होंने कह दिया कि हाँ भाई बताओ, ये AGM का आपका ये चार्जेस लगा है, अब सब 15 महीने में एक बार आपको पूरे के पूरे सारे शेयर होल्डर्स को पूरी इन्फॉर्मेशन देनी होती है। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो गई, पेंडेमिक आ गया, कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन आ गई, कोई नया AI लॉन्च हो गया, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग हो गई। एक होती है क्लास मीटिंग, क्लास मीटिंग का मतलब है कि स्पेशल क्लास के कोई अगर हमारे पास शेयर होल्डर हैं, मान लेते हैं कुछ शेयर होल्डर हैं जिनका परसेंटेज, शेयर होल्डिंग का परसेंटेज 12% से ज़्यादा है, जो भी 12% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स हैं, या कह सकते हो 3% से ज़्यादा है, 2% से ज़्यादा है, जिनकी टोटल कैपिटल में हमारा रेशो 2% से ज़्यादा, इन सब की हमने एक अलग मीटिंग करा दी, उसको क्लास मीटिंग हो गई। किसी शेयर होल्डर को हमने स्पेसिफिक कर रखा है कि इस परसेंटेज वाइज कह सकते हो, या आप कह सकते हो ओल्डेस्ट जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। किसी विशेष स्पेशल शेयर होल्डर्स के लिए जो मीटिंग होती है वो क्लास मीटिंग। स्टेटरी मीटिंग हो गई जो गवर्नमेंट कहते कि आपको अब मीटिंग कर लेनी है। एनुअल जनरल मीटिंग हो गई जो यूजुअली 1 साल 15 महीने यानी कि 1 साल 3 महीने के अंदर करवानी होती है। जनरल मीटिंग हो गई, ये कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मीटिंग्स होती है। इन मीटिंग्स में क्या होता है, इन मीटिंग्स में रिजोल्यूशन पास होते हैं, इसीलिए अगला टॉपिक अपना इसका क्या है, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन क्या होते हैं, रिजोल्यूशन बेसिकली जो हमने मीटिंग करा होता है उसका आउटकम होता है। मीटिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द कंपनी ऑर्गेनाइजेशन रिजोल्यूशन रेफर्स टू द फॉर्मल डिसीजन, जो हमने इस मीटिंग के अंदर डिसीजन लिया है, फॉर्मली डिसीजन, एग्री हो गए, होंडा ने एग्री करवा दिया सारी कंपनीज को, मतलब पूरे शेयर होल्डर्स को, कि अब हम नया EV के सेक्टर में ही काम करेंगे, दूसरे डीजल पेट्रोल की गाड़ियां नहीं बनाएंगे। उसका लिया एक रिजोल्यूशन पास करा, उसको कहते हैं मीटिंग करी, उस मीटिंग में जो डिसीजन आया उसको कहते हैं रिजोल्यूशन, ठीक है। तो रिजोल्यूशन बेसिकली दो ही तरीके का होता है, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं इसके, लेकिन यूजुअली दो ही तरीके बुक में भी लिखे हुए हैं, एक होता है ऑर्डिनरी, एक होता है स्पेशल। ऑर्डनरी रिजोल्यूशन यानी कि डे टू डे एक्टिविटी के रिलेटेड, कि कल से 9 बजे का ऑफिस नहीं, कल से 8 बजे का ऑफिस रहेगा, तो उसके लिए मीटिंग हुई, मीटिंग के बाद रिजोल्यूशन पास हुआ, तो ये ऑर्डनरी रिजोल्यूशन होंगे। स्पेशल रिजोल्यूशन यानी कोई हम फंडामेंटल चेंज कर रहे होते हैं, या कोई इमरजेंसी की सिचुएशन होती है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग के अंदर फिक्स्ड होता है, वो स्पेशल रिजोल्यूशन आता है। स्पेशल रिजोल्यूशन के अंदर 75% याद रखना, 75% मेजोरिटी जरूरी होती है, जबकि नॉर्मल रिजोल्यूशन 50% के अबव पे यानी 51% पे हो जाता है। एक होता है रिटर्न, अब ये तो दो हो गए, ओरल और स्पेशल और ऑर्डिनरी, ये दो ही होते हैं। अब बुक के अंदर, कुछ बुक्स के अंदर रिटर्न रिजोल्यूशन दे रखा है, यानी कि कुछ अगर रिजोल्यूशन, वैसे तो हमेशा लिख के ही होता है लेकिन लिखा हुआ, एक बोर्ड रिजोल्यूशन, बोर्ड रिजोल्यूशन ने कहा, बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी उसके अंदर जो रिजोल्यूशन पास हो गया वो बोर्ड रिजोल्यूशन हो गया। एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर कोई रिजोल्यूशन पास हुआ तो AGM का हो गया, जनरल मीटिंग में हुआ तो जनरल मीटिंग का रिजोल्यूशन हो गया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीटिंग हुई तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन हो गया, ठीक है। रिक्वेस्टेशन रिजोल्यूशन, ठीक है, मेरे को मतलब पता है इसका। इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा होता है कि शेयर होल्डर खुद डिमांड करता है कि हमको अगली जो जनरल मीटिंग है उसके इस टॉपिक के ऊपर हमको डिस्कशन करना है। मान लेते हैं कि अभी मार्केट में कोई कॉम्पिटिटर आने वाला है और अभी हम कोई जनरल मीटिंग कर रहे हैं, इस जनरल मीटिंग में तो कोई बात रह गई, मान लो मीटिंग 4 घंटे हो गई, अभी मीटिंग का टाइम खत्म हो गया, तो हमने एक स्पेशल रिक्विजिशन निकल गया ना, हो जाता है यार, रिक्विजिशन
रिजोल्यूशन पास करा जिसमें हमने डिसाइड करा कि अगले जनरल मीटिंग में या अगले एजीएम में हम ये इन इन बातों पे तो और बात करेंगे, और मुद्दे पे बात होगी। ये रिक्विजिशन रिजोल्यूशन हो गया, क्लियर हो गया। तो दिस इज द टाइप्स ऑफ द रिजोल्यूशन, बेसिकली तो ऑर्डिनरी और स्पेशली है, लेकिन आप जितने टाइप्स ऑफ द मीटिंग है इतने टाइप्स ऑफ द रिजोल्यूशन बना सकते हो। रिक्विजिशन का मतलब आपको समझ में आ ही गया होगा, जब शेयर होल्डर को डिमांड कर दें। क्लियर है, अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं और लास्ट क्वेश्चन पे हमला बोलते हैं। जय हिंद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और मेरे साथ भी जुड़े रहिए। थैंक यू।